लाइव खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। एसटी बस की चपेट में बुजुर्ग महिला की मौत। अवैध शराब बिक्री 21 गिरफ्तार, 3,31,000 का माल जब्त, ठेकेदार पर मामला दर्ज। दर्शकों अब देखते हैं खबरें विस्तार से। बस स्टैंड परिसर में यातायात की उचित व्यवस्था नहीं होने से एक बुजुर्ग महिला यात्री की बस के चपेट में आने से मौत हो गई। गणेशपेट थाने में आरोपी चालक के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। मृतका सुमन नामदेव राव धोटे तेलगांव कामठी निवासी है। शुक्रवार की शाम को 5:30 बजे के दौरान गणेशपेट मुख्य बस स्टैंड के प्रवेश द्वार के पास बस के चालक मिलिंद वानखेड़े पौनी निवासी ने लापरवाही से बस चलाकर सुमन को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल हुई सुमन की मौके पर ही मौत हो गई। मेडिकल अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसकी मौत की पुष्टि की। चालक को जमानत पर छोड़ दिया गया है, जांच जारी है। दूसरी खबर, आमकारी विभाग ने अवैध शराब विक्रेताओं के खिलाफ छापा मार अभियान चलाकर शुक्रवार को जिले से जगह जगह कार्रवाई की। इस कार्रवाई में 21 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके कब्जे से महुआ शराब, रसायन व देसी शराब सहित 3,31,397 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस दौरान कुल 33 मामले दर्ज किए गए। जिले में अवैध शराब बिक्री की लगातार मिल रही शिकायतों पर आबकारी विभाग ने अधीक्षक प्रमोद सोनोनो ने कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके तहत एक दर्जन से ज्यादा अधिकारी कर्मियों ने टीम ने जगह जगह छापामारी कर आरोपियों को दबोचा गया है। कार्रवाई उपयुक्त मोहन वर्दे व अधीक्षक सोनोने के मार्गदर्शन इंस्पेक्टर केशव चौधरी, सुभाष खरे के नेतृत्व में की गई। तीसरी खबर, बिना किसी सुरक्षा इंतजाम के दीवार तोड़ते समय मलबे के नीचे दबने से मजदूर की मौत हो गई थी। इस मामले में अब जेरीपटका पुलिस ने ठेकेदार ओम प्रकाश सिन्हा राजीव नगर सर्फ इंडिया लेआउट हिंगना रोड निवासी के खिलाफ करीब 2 माह बाद धारा 304A के तहत मामला दर्ज किया है। इस मामले में मृतक लक्ष्मण सुखारी प्रसाद राजीव नगर हिंगना रोड निवासी की मां मुन्नी प्रसाद ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस सिंधी लिखिए और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उस पर रोजाना खबरें देख सकते हैं। लिंक्डइन, हाइक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। अब आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहे एमएनएस न्यूज लाइव के साथ। नमस्कार। देश की राजनीति पर होगी आपकी मुझसे सीधी बात। देश की आम जनता जुड़ेगी मेरे साथ। हर गली की राजनीति पर होगी हमारी बात। आपके नगर सेवक से लेकर सांसद तक से होगी चर्चा, जिसमें विकासात्मक कार्य और उनके द्वारा किया गया भ्रष्टाचार दोनों पहलुओं पर होगी बात। मेरे साथ मेरे प्रोग्राम में आप भी जुड़ सकते हैं मेरे साथ। सरकार से सीधी बात दोपहर 2 बजे।